शारदीय नवरात्रि पूजा के पवित्र पर्व पर जहां घर घर माँ की स्थापना होती है, उनके अलग अलग नौ स्वरूप की पूजा होती है, वहीं दुनिया में आस्था की धरती कहे जाने वाली संगम नगरी नवरात्र में देवताओं को जागृत करने वाला माना जाता है। प्रयागराज के अलोपिन स्थित सिद्धपीठ माँ अलोपिन शंकरी के मंदिर में शारदीय नवरात्रि में भक्तों ने माँ के दर्शन के लिए उत्साहित दिखे। वहीं पूजा सामग्री और माला फूल के दुकानदारों में भी कोविड-19 गाइडलाइन के नियमों का पालन करते दिखे। सभी दुकानदारों ने 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी, इन नियमों का पालन भी किया और माला फूल पूजा सामग्री लेने वालों भक्तों को भी बिना मास्क के पूजा सामग्री नहीं दिया। वहीं माला फूल विक्रेता नीता ने कहा कि हम लोग उन्हीं सबको पूजा का सामान और माला फूल दे रहे हैं जो लोग मास्क पहन के आए हैं। पूजा का सामान बेच रहे हैं, बिना मास्क के किसी को पूजा का सामान नहीं मिलेगा, मास्क लगाकर तभी अंदर जाना है। नीता। वहीं अलोपी शंकरी के दर्शन के लिए आए भक्तगण ने कहा कि ये देखकर जरूर अच्छा लगा कि किस तरह से यहाँ के दुकानदार बिना मास्क के माला फूल नहीं दे रहे हैं और साथ ही बिना कोई मास्क पहने आए तो उनको भी फूल माला नहीं दिया जा रहा है और सभी नियमों का पालन करते हुए सभी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर अलोपी देवी मंदिर, अलोप शंकरी मंदिर में बिना मास्क के कोई भी दुकानदार कोई भी माला फूल नहीं बेच रहा है और न तो माला फूल लेने वालों को बिना मास्क के दे रहा है और बड़े ही अच्छे ढंग से बड़े ही सारे नियमों का पालन करते हुए यहाँ माँ का लोग दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में भी दर्शन नहीं मिल रहा है बिना मास्क के। दिनेश मिश्रा। साल 2020 में कोरोना की वजह से लोगों को घरों में कैद होकर जीने को मजबूर और मायूस लोगों को इस शारदीय नवरात्र में माँ के दर्शन का जरूर सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन आने के बाद सभी मंदिरों के कपाट खोल दिए गए। वहीं प्रयागराज के अलोपिन बाग मंदिर में सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के बाद मंदिरों के कपाट खोल दिए गए और गाइडलाइन नियमों का पालन अलोपी शंकरी मंदिर के दुकानदारों में जरूर देखने को और किसी को भी बिना मास्क के फूल माला और सामग्री नहीं दी गई। प्रसाद की दुकान पर भी भीड़ ना लगाएं, एक एक करके सामान लेवें।